पंजाब दे विच इलीगल माइनिंग दा मुद्दा हमेशा तो ही गरमाया रहा है ते अजकल श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल अलग अलग स्पॉट ते जाके इलीगल माइनिंग दी दुहाई दे रहे ने, ना सिर्फ विरोधी धिर दे जिहड़े लीडर्स ने ओहो बल्कि पंजाब कांग्रेस दे लीडर्स भी इलीगल माइनिंग नू लैके सवाल चुकदे रहे ने। साडे नाल माइनिंग मिनिस्टर ने सुख सरकारिया जी। सरकारिया जी, पहला तो यह दसो लीगल ते इलीगल माइनिंग केड़ियां हुंदियां ने, नाल ही तुसी देख रहे हो अजकल मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया होया क्योंकि सुखबीर सिंह बादल अलग अलग स्पॉट ते जा रहे हैं ते कह रहे हैं पंजाब दे विच जम के इलीगल माइनिंग हो रही है। सब तो पहले मैं तुहाडे जी न्यूज़ के दर्शकों सारे फतेह अर्ज करदा, माइनिंग इलीगल और लीगल का तुसी मैनू फर्क पूछा। लीगल माइन वो आ जिहड़ी सरकार दे वल्लों अलॉट की जाती है और उहदी पमैश दसी जाती है, उहदे विच्चों जिहड़ा भी कॉन्ट्रैक्टर माइनिंग करेगा वह लीगल है। इलीगल माइनिंग वो आ जिहड़ी के सरकार ने मंजूरी ना दित्ती होवे ते लोग उत्थों माइनिंग करन, उहनूं इलीगल कहा जाता। इस तों बगैर जे कॉन्ट्रैक्टर वह भी रात को जिहड़ी लीगल माइन दित्ती आ उहदे चों रेता पुटदा जां कोई काम करदा वह भी इलीगल है, और जिहड़ी एरिया उहनूं दित्ता उस तों बाहर जाके पुटदा वह भी इलीगल है, और जे 10 फुट तों थले जाके पुटदा वह भी इलीगल है। पंजाब दे विच इलीगल माइनिंग नहीं हो रही, हुण सारी लीगल हो रही। देखो जिहड़ा इलीगल माफिया और इलीगल माइनिंग का मेन जिहड़ा मुद्दा इहदा जन्मदाता तो अकाली दल आ, और मैनू पता नहीं हैरानगी भी होंदी आ और सुखबीर होरां दे तरस भी आउंदा भी पता नहीं किहदे कहण ते आ तुरे फिरदे ने। मैं कल भी न्यूज़ चैनल दे राहीं उहनां नूं दस्सिया और तुहाडे राहीं भी अज उहनां नूं कहना चाहुंदा कि साडे कोल लिस्ट लै लो किहड़ियां किहड़ियां लीगल माइनस ने जिहड़ियां चलदियां, और जे उस तों बगैर कितें माइनिंग हुंदी आ ते मैं भी कहूँगा उह इलीगल आ, पर अजे तक फड़ के तो विखाउण कोई इहो जिही थां जिथे इलीगल माइनिंग हो रही है, और एवें पब्लिक स्टंट जां अपने लाला लाला कराउण दे मारे लोकां नूं गुमराह करन दे लई इहो जिहियां गल्लां करदे फिरदे आ। हुण पहलों मैनूं दसो इह ब्यास ते गए, ब्यास साडी लीगल माइन आ, और उत्थे पुल दे उत्ते खड़ के कह रहे आ जी NGT दीआं गाइडलाइनस ने 5 किलोमीटर तों, पर जिहड़ा उहनूं पता ही नहीं अजे उहनां नूं, पहलों उह स्टडी करन भी NGT दीआं गाइडलाइनस की आ, साडी सरकार दी पॉलिसी की आ, और बाहरलिआं सूबिआं दी पॉलिसी की आ। असीं जदों पॉलिसी लैके आए सानूं मेहनत करनी पई, मैं आले दुआले दे तिन्नां सूबे जिहड़े साडे नाल लगदे उहनां दीआं पॉलिसियां वेखियां, फिर असीं पॉलिसी बणाई आ कि इलीगल नूं कितना ही बंद कर सकदे आ, और फिर जाके असीं उहदे 'च कामयाब होए आ। अज दी डेट 'च जिहड़ा इहनां दे वेले दा माफिया सी उहने सानूं खराब करन दी भी बड़ी कोशिश कीती है, बट अज इलीगल माइनिंग साडे कॉन्ट्रैक्टरां वल्लों बिल्कुल नहीं कीती जा रही, सरकार उन्हूं लाओ नहीं करती। हाँ, चोरी जरूर अजे होंदी है जिहड़ी रात बराते लोग कोई 2 ट्रक कढ़ के लै गया जां क्या, वह भी अहीं समय समय से उन्हां दी चैक करदे रहिंदे आ। हुण ते साडे अपनी इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट बन गया, हुण सानूं वह भी दिक्कत नहीं, रात दी भी जिहड़ी कोई चोरी चकारी आ ना मात्र रह गई आ, बिल्कुल असीं इत्थे कंट्रोल कर लिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਸਾਈਟਸ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੈਵਨਿਊ 40 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ, 7 ਮਹੀਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸਟੇਅ ਵੀ ਲੈ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਔਰ 20 ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 304 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸੀ ਖੱਡ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ 263 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਸੀ, ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ
ये जिहड़े सुखबीर होरी हुण तुरे फिरदे आ इहनां नूं अपना पिछला फिकर लग गया भी 40 करोड़ रुपया रेवन्यू आउंदा सी पता नहीं हिस्से पत्ती जिन्हां दे भी हैगे सी मैं ते किसे दा नां नहीं लैणा चाहुंदा आउंदे होणगे ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਜਨ ਸੀ 263 ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਗਈ ਆ 300 ਕਰੋੜ ਵੀ ਆ ਰੇਟ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਅਸੀਂ 2000 ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਮਤਲਬ 20000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਟ 25000 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਛੱਡੀਏ ਹੋਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੱਢਣੀ ਆ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਇਆ 400 ਕਰੋੜ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਐਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 40 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਇਆ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 263 ਕਰੋੜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਔਰ ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80 ਕਰੋੜ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਅਰਕਾ ਅਸੀਂ 320 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਈਡੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਈਵਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਈਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਈਡੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਆ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ 2500 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਏ ਆ ਔਰ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਟਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 2-4 ਟਰੱਕ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 100% ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ 40 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 45 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅੱਜ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ
और पिछले साल 263 आया, अरकां 320 पहुँच जाता, तो असी किहड़े मूँह ना जे साडी सरकार बनी तो इहनू घट कर सकांगे। इस करके शायद मैनू लगता इहो ही उहनां दे नाल रल के ड्रामा करी जांदे आ। सरकारिया जी कॉन्ट्रैक्टर भी जाते हैं, इस दे नाल ही बहुत सारे ने वीडियोज भी दिखाईया ने कोर्ट दे विच कि किस तरह इलीगल माइनिंग हो रही है। इस दे नाल ही केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल थोड़े दिन पहला पहुंचे सीगे चंडीगढ़, उन्होंने कहा कि जे साडी सरकार आती है असीं इलीगल माइनिंग बिल्कुल खत्म कर देंगे। देखो सब तो पहलों तो मैं इस गल तुहानू और तुहाडे दर्शकों नू दसना चाहुंदा कि तुसीं मैनू एक गल दसो, तुसीं एक सड़क ते तुरे जांदे हो, अज तुसीं अमृतसर नू जा रहे हो, तुसीं पुल ते खलो के थल्ले वेखदे हो दरिया दे 1 किलोमीटर दूर ते माइनिंग हो रही है, उत्थे ट्रक 200 भी खड़ा हो सकता, 20 भी खड़े हो जाए, वेखण वाले नू तो इंज ही लगेगा ना बल्ले बल्ले बड़ी माइनिंग हो रही है, पर किसी नू इह पता वो लीगल है इलीगल है, पहलों ये तो वेख लैण। मैं तुहानू वार वार कही जाना कि टोटल लीगल माइनस के विचों ही माइनिंग होंदी आ, 102 दे करीब इस वेले साडियां लीगल माइनस आ जिहड़ियां चल रही आ, जिथों जिथों कॉन्ट्रैक्टर माइनिंग कर सकदा। मैं तो अज भी कहिंदा, शरेआम कहिंदा, और ये भी कहिंदा तुहाडे दर्शकों नू और सारिआं नू, मेरे पंजाब वासियों नू भी कहना चाहुंदा कि जे रात नू कोई माइनिंग करदा उहदी कंप्लेंट सानू भेजो, सानू दसो, असीं उत्ते एक्शन लवांगे। रात नू जे ठेकेदार भी करदा वह भी इलीगल है, वह भी सानू दसो, असी तो आप इस गल्ल ते कंट्रोल कर रहे हैं और कीता भी आ। ये जिहड़ा इहो जिहियां सुखबीर होरां दीआं गल्लां जा के इहो जिहे ड्रामे करने, केजरीवाल नू की पता माइनिंग दा, केजरीवाल देखो थोरैटिकली और प्रैक्टिकली बड़ा फर्क आ। थ्यूरी दे नाल असी भी बड़ा सोचिया सी, जदों मैं माइनिंग की पॉलिसी बनाई सी तो थोरैटिकली सारा कोई कैलकुलेशन करके मैं भी यह सोचा कि सानू 400 करोड़ आजूगा, पर नहीं आ सकिया, 304 करोड़ तो ऑप्शन गई। इस करके थ्यूरी दियां गल्लां होर होंदियां, जदों मैदान च आईए प्रैक्टिकल वेखिए करके उदों गल्लां होर हो जांदियां। सुपनिआं च जो मर्जी बंदा कह दे, अज गल्लां करन नूं जो मर्जी कोई कह दे, पर मैं तुहानूं अज भी दसां माइनिंग दे विच्चों रेट ते कंट्रोल करके, रेट ते कंट्रोल करके जिन्ना रेट असीं अज रखिआ आ माइनिंग तों, जिहड़ी साडी आउण वाली सरकार बणी आ 400-500 करोड़ तो वध नहीं आ सकूगा, और जे पैसे वध कमाउणे आ फिर लोकां दे बोझ पाउणा पाऊगा। इहो जिहड़ा ट्रक अज 25,000 दा विकदा, असीं 60,000 दा वेचणा शुरू कर दईए ते सानूं 3,000 करोड़ भी रेवन्यू आजूगा, पर उहदे नाल लोकां दा भी कचूंबर निकल जूगा, ते कंस्ट्रक्शन जिहड़ी भावें बिल्डिंगां दी आ भावें कोई सड़कां दी आ उहदी कॉस्ट बहुत वध जूगी, दूजे पासिओं साडा सरकार दा नुकसान होगा। मैं इस ते भी जरूर थोड़े सवाल पुछूंगी, पर सब तो पहले यह जरूर जानना चाहूंगी कि माइनिंग पॉलिसी नूं लैके बहुत लोग सवाल चुकदे ने, ते काफ़ी देरी नाल बनाई है माइनिंग पॉलिसी, उह तुसीं कहा कि कोर्ट दे विच मामले अटके रहे इसलिए, पर इस दे नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू कहिंदे ने कि सानूं तेलंगाना मॉडल जिहड़ा अपनाना चाहिए ताकि असीं होर रेवन्यू जिहड़ा जनरेट कर सके। मैं तुहानूं दस्सदा जी, मैं तुहानूं रेवन्यू दी गल दस्सी आ, नवजोत सिंह सिद्धू साढ़े भरा ने, उन्होंने उस वेले जदों उन्होंने गल की सी उस वेले मैं मंत्री नहीं सी, ना मेरे को ये डिपार्टमेंट सी, मुख्यमंत्री साहब कोई महकमा सीगा, उस वेले उन्होंने कमेटी बनाई सी क्योंकि इशू बड़ा वड्डा सी, पहलों अकाली दल वेले चलता रहा सी और मुख्यमंत्री साहब भी सुचेत सन इस गल नूं कि इह माइनिंग माफिया दा नाम है खत्म करना, और फिर इन्हां दी रहनमाई तों उन्हां इक कमेटी बनाई सी जिस बाजवा साहब मैंबर सीगे, मनप्रीत बादल जी मैंबर सीगे, और उन्होंने वो तो नहीं गए, खैर ये तेलंगाना जाके आए आ, उन्होंने उत्थे स्टडी भी की है। जिहड़ी गल वह कहिंदे आ वेखो ठीक कहिंदे आ भी उत्थे एक दरिया आया तो उत्थे रेवन्यू इन्ना आउंदा, इत्थे साढ़े 3 दरिया आया, जिहड़ी गल मैं उदों सुनी भी उन्हां को, बट मैं ये दसना चाहुंदा अपने दर्शकों और उस वेले उन्हां नूं भी दस्या सी कि जिन्नी पंजाब की खपत आ असीं उस हिसाब नाल पॉलिसी बनाई आ। अज 4 करोड़ टन की पंजाब च खपत आ, जिहड़ी पंजाब च हर साल 4 करोड़ टन लगता, और तुसीं दे दूजे लफ्ज़ां च कह लो रोज़ दा 7,000 तों 8,000 ट्रक जां ट्रॉली ये पंजाब च खपत होंदी आ, इस तों वध इत्थे पंजाब च खपत नहीं हो सकती। हाँ कोई काम नवें चल पैण, जिस तरह नैशनल हाईवे हुण आउणा ते साडा थोड़ा बहुता होर वाझे मटीरियल 5 तक भी पहुँच सकता, उहदे नाल साडा उन्ना रेवन्यू भी वध जूगा, अदरवाइज़ इहदों वध रेवन्यू नहीं वध सकदा। मैं तुहानूं फिर रिपीट करदा, हाँ रेट वधा दईए, मैं अज भी कहिंदा ते असीं इहो रेट जिहड़ा 25,000 नूं ट्रक वेखदा अज 60,000 नूं कर दईए, सरकार अपना मार्जिन बढ़ा दे ते सरकार नूं 3,000 सालाना आजूगा रेवन्यू, बट लोकां दी जान निकल जूगी। अच्छा सरकारिया जी, ट्रकां दी गल हो रही है, असीं देख पा रहे हैं कि रेत माफिया वाले की करदे ने कि ओवरलोड कर लैंदे ने ट्रक कि साडे ते कड़ा कोई चैक है, दूजा जिन्नी उन्हां नूं साइड दित्ती हुंदी है, जिन्नी खड़ दित्ती हुंदी है, उस तों बाद एक्सट्रा कितें ना कितें
ट्राई करते हैं कि असी माइनिंग कर सकीए। अजिहे तो कुछ रोक लगी है तो क्योंकि ट्रक तो ओवरलोड होकर जाते हैं क्योंकि सारिया सड़क टुट जाए जिथे जिथे भी माइनिंग हो रही होंगी। देखो ये इल्जाम जी जो माइनिंग एक चीज़ है ना जी जिन्हों माइनिंग तुम कहते हो जे तुम कहो ना जी सूई के नके चो ये क्ढन वाली चीज़ बन जाए तो वह पॉसीबल नहीं। योजे इल्जाम निके मोटे लोगों ने लाते रहना और लगते रहने अज भी लगन गए कल आने वाले समय से भी लगन गए। सानू तो मुख्यमंत्री साहब ने जो शुरुआत की उस वे मुख्यमंत्री साहब के मन ची जे 40 करोड़ रेवन्यू आता इदनों फ्री कर देनी चंगी गल है और उस वेले असी सारा कुछ इतने उदां ने काम भी कराया। बट जो NGT दी गाइडलाइनज वेखिया कि फ्री करना सौखा काम नहीं गा फिर उन्होंने ये गल आखी कि रेट ते कंट्रोल करके ते रेवन्यू जिन्ना वध तो वध जनरेट हो सकता वो आपां करिए फिर उस हिसाब नाल असीं पॉलिसी बना के ते हुण जिहड़ा काम साडा शुरू होया। अच्छा सरकारिया जी परसैप्शन लोगों के की बनी हुई है कि बहुत सारे पॉलीटिशियन जोड़े ने इलीगल माइनिंग इनवॉल्व ने इतों तक कि मैं याद है हाईकोर्ट के एक ऑर्डर भी सी कोर्ट ने भी कहा कि चैक रखो जो कोई ये पॉलीटिशियन इनवॉल्व हैगा। देखो मैन मेरी जदों तक मेरा अपना सवाल है मेरे को डिपार्टमेंट आया मैनू तो किसी की इनवॉल्वमेंट जी इलीगल किसी भी MLA की लगी नहीं। हाँ किसी हल्के माइनिंग होंगी है रात बराते होंगी है वो जिहड़े बंदे करदे आ जां कोई चोरी करदे आ वो किसी ना किसी पार्टी नाल संबंधित हुंदे आ कोई कांग्रेस नूं वोटां पाउंदा कोई अकाली दल नूं पाउंदा जां कोई आम पार्टी नूं पाउंदा होगा वो जे कोई MLA दे नेड़े होवे बंदा उहदा नां विच आ जाए तो लोग समझण लग पैंदे आ कि MLA ही कराउंदा पर इहो जी कोई गल नहीं। जे साडा इहो हाल हुंदा तो अज असीं रेवन्यू वधा नहीं सी सकदे स्टेट का इहो जी कोई इशू नहीं हैगा। ये एवें कहण दीआं गल्लां पोलीटिकल गल्लां आ एक दूजे ते इल्जाम लाउणे पुराने चले आउंदे आ गांह भी चले रहने आ अकाली दल भी होना मैनूं एक दसो हाँ अपने वेले ते इहनां नूं होश नहीं आई 10 साल सुखबीरो राणी सरकार रही है कदी माइनिंग कोई चैक की भी इत्थे 30-30 फुट पैण डे आ कदी जाके किसी ने वेख्या सी अज बड़ी चिंता हो गई इहनां नूं हैं 4.5 साल बाद सिर्फ लोगों की वाहवा खट्टण लई तुरे आ जिहड़ी कि लोगों ने आप इहनां नूं लानतां पाईआं भी तुहानूं इही नहीं पता भी लीगल किहड़ी आ ते इलीगल किहड़ी एवें तुरे फिरदे हो मूँह चुके। कॉन्ट्रैक्टर बदले ने या सेम कॉन्ट्रैक्टर ने क्योंकि ये भी जानकारी सामने आती है कि अकाली दल के समय से जेड़े इलीगल माइनिंग कर रहे थे वो ही कांग्रेस के समय से कर रहे हैं सिर्फ सरकार बदलिया ने इलीगल माइनिंग उवें चल रही है। नहीं गलत गल है। देखो मैं तुहानूं पहलों दस्या कि जदों असी भी पहलों प्रोग्रेस बिडिंग की कली कली खड लाम की लोगों ने सोचा पता नहीं इस पैसा बड़ा और कई बेचारे जी 1 करोड़ की चीज़ से 5-5 करोड़ चली ली किसी ने 7 चली ली किसी ने 10 चली ली बट वो बेचारे सारे छड़ के जो उन्होंने दिसिया भी ये कोई नहीं उन्होंने विचारों का नुकसान होया सारिया का। उस तो बाद असी आ पॉलिसी बनाई हैं जिहड़े 7 क्लस्टर असी सारे पंजाब नूं 7 हिस्सें वंड के बनाया उस वेले सानू 7 महीने वो जिहड़े लोग सी जिहड़े पुराने समय च माइनिंग करते इलीगल करते माफिया जिन्हों कह लो उन्होंने कोर्ट चो स्टे ले लिया साडी पॉलिसी के अगेंस्ट। तुसीं पुछिया भी की गल इन्नी लेट क्यों हो गए 7 महीने सानू उहदे लगे फिर जदों असी ऑक्शन की फिर उन्होंने लोगों जोड़े लोकल बंदे से उन्होंने डराया मैं जो वेख्या भी ये सानू कामयाब नहीं होने देंगे इस हिसाब न फिर मैं बाहर पता किया राजस्थान च किहड़े ठेकेदार काम करते UP च किहड़े करते जम्मू कश्मीर च किहड़े करते उन्होंने आप अप्रोच किया और अज पुराना कोई नहीं हैगा वो ठेकेदार मैं लेके आया और उन्होंने बेचारियों कहा भी तुहानू अं प्रोटैक्ट करांगे तुसीं लीगली काम करो तो सरकार का रेवन्यू भी वधाओ और अज वो ठेकेदार ने वड्डे जिन्ह ने यह काम लिया पुराना साढ़े कोई जिहड़ा पुराना ठेकेदार सीगा जिहड़ा इन्हां दे वेले जिहड़े काम करदे सी कोई भी नहीं हैगा चैक कर लो जिहड़े जिहड़े काम जिहदे जिहदे नां ते इहदे मैं नहीं कह रहा इहदे कागज़ां च भी बोलणगे और ये बाहर दे लोग लैके आए और इस करके लैके आया हालांकि मैं चाहुंदा सां कि साडे पंजाब दे लोग ये काम लैण बट इदां ने डरा ही लोगों इन्ना दिता सी एक जिहड़ा पहला एक्सपीरियंस हो गया ही लोगों भी इन्ना नहीं तो असीं सोचा ही भी 400 करोड़ रेवन्यू इकट्ठा करना उहदे करके लोग लोकल जिहड़े पहलों भी डरे सी जिहड़े को आउणा चाहुंदे सी उह इन्हां ने डराते तो फिर मैनूं इह बाहरों लिया के बणो इस वेले पुराना जिहड़ा ठेकेदार है कोई नहीं साडे कोल काम। अच्छा सरकारी जी तुसीं कदे माइनिंग साइट्स जाके चैक करदे हो? मैं करदा जी मैं करदा रहिंदा मैं तो मैनू जिथे भी ईवन कंप्लेट आई आ मैं तो कई बारी गया मैं तो गांह ही जाऊँगा क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है मैं ता ही तो कह रहा कि सुखबीर होरी अपने 10 साल तो कितने गया ही नहीं तो हूँ इन्हों बड़ा फिक्र लग गया क्योंकि सुखबीर सिंह बादल तो आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस के आपसी क्लेश ही मचा हो कुर्सी की लड़ाई जी चल रही है तो मुद्दे तो उन्होंने वाल ध्यान ही नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल है गलत गल है देखो जी जी लड़ाई वाली योजा कोई इशू नहीं है 19-21 गल् सारिया पार्टिया हो जाए किसी वे एक परिवार भी हो जाए वो इतने साढ़े मुख्यमंत्री साहब बैठे आ दिल्ली हाईकमांड आ इन्होंने
आपो च बैठ के सारा ठीक कर लेना, वो इशू वखरा। पर जे कोई कहे भी ध्यान नहीं है, क्यों नहीं है, माइनिंग दे असीं अजे भी मॉनिटरिंग करते हैं, एक एक चीज़ वेने आ, जिथे कितने ठेकेदार वध करता गलत करता उन्हूं भी ठोकीदा, और जिथे इलीगल होंदी वह भी अहीं चैक करते हैं, उत्ते परचा दर्ज कराने। अच्छा सरकारिया साहब, मेरे को जिहड़ी एक जानकारी आई सी, सीएमओ ऑफिस कोल तुसीं कई बार जाने हो, लेकिन उत्थे कई ऑफिसर सुनते नहीं है, थोड़ी किसी ऑफिसर दे नाल पिछले दिनों दे विच बहस भी हुई सी, थोड़ी समाइल दस रही है कि अजिहा होया सीगा, ऑफिस दे विच सुनदा नहीं है सीएमओ ऑफिस? नहीं वेखो यह गल ऐसा नहीं सुनते सुनते वाली गल नहीं, मैं कहनी चाहता बहस सही है, कई गल्लां ते हो जांदा, पर मैनू उस अफसर का रवैया चंगा नहीं सी लगा।